आला हजरत की आखिरी यादगार रह गए। सेहत और आफियत के साथ अल्लाह ताला उसका साया कायम रखे, आमीन। इस वजह से कि हुजूर के आराम में खलल अंदाजी होगी। और मैं तो बहुत ही मजबूर हो गया हूँ ना, आंखों से बिल्कुल मजबूर, आंखों से आप लोग नजर आ रहे हैं, आपके चेहरे समझ में नहीं आ रहे, लिखने पढ़ने से बिल्कुल मजबूर हूँ और पैरों से मजबूर हूँ, चलने फिरने से बहुत मुश्किल से सही देखता हुआ, जो दूसरा कमरा है वहाँ मेरा, उस गाँव से यहाँ आता हूँ, चलने फिरने से मजबूर हूँ, बैठ जाता हूँ तो उठाने के लिए किसी को जिसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत मजबूर हो गया। अब खुदा के फजल करम से आखिरी उम्र है 5595 साल की उम्र हो गई, और आला हजरत की दुआएं हैं कि इलाही निगहदार बुरहान हक बुअर दायमा अजवा एलान हक, ये हुजूर की दुआ है। हजरत मुफ्ती आजम ने दुआ फरमाई थी एक मनकबत को कहने वाले ने अर्ज किया था कि या इलाही इधर या इलाही सलामत रहे, मुफ्ती आजम सलामत रहे, ऐसी कुछ थी। या इलाही या इलाही तेरे फजल के साए में मेरा पीरे तरीक़त सलामत रहे। तो आपने फरमाया, टिके बैठे थे और मैं बाजू में बैठा था, या इलाही तेरे फजल के साए में मेरा बुरहान मिल्लत सलामत रहे, ये उनकी दुआएं हैं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की दुआ भी है और करामत भी है। ये क्या आप बार बार लिए अरे कुछ नहीं, मेरा क्या जबानी तबरुक होगा, तो बात करने में भी जबान लटपटाने लगती। हुजूर हमारा दारुल उलूम रज़विया गरीब नवाज जी, जिसका अभी हुजूर रहमानी मियां साहब को बुलाना संगे बुनियाद रखा है जी उज्जैन में, वो वहाबियत का गढ़ है माशाल्लाह, और ये हुजूर रहमानी मियां साहब कबीला का करम है कि वहाँ पर हजरत का जो प्रोग्राम हुआ है वहाबियों ने तौबा की और दाखिले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम हुआ है हुजूर मसलक का, उस दारुल उलूम के लिए और गुलामों के लिए दुआ फरमा दी अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह कफा समरल्लाहु लिमन तआला सवरा रहम तहा वना तसम बिललाह नजा सुभानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अठारह उन्नीस बीस नवंबर को इसी महीने की अभी शुरू हो रहा है महीना नवंबर, इसकी 18-19-20 तारीख को आला हजरत का उर्स होने जा रहा है। किसी तरह से हुजूर वो तो यहाँ भी होता है उसी तारीख को, यहाँ भी होता है। अच्छा, वो साल के बाद से बराबर हर साल और यहाँ भी होता है। नहीं हुजूर आप बैठ जाइए। नागपुर तशरीफ ले गए थे? नहीं जा सका, नहीं जाता, कमरे पैरों की तकलीफ की वजह से जी नहीं जा सका। बहुत बड़ा जलसा हुआ वहाँ, बुनियाद भी रखी गई है यूनिवर्सिटी जी, मौलाना गुलाम अहमद खान साहब का फोन आया था, मैंने मदद करी कि मैं मजबूर हूँ, सफर नहीं कर सकता था। सही, अब तो मैं मौलाना बिल्कुल मुअत्तल हूँ, बस बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ।
को उनके यहाँ इंजीनियर के मकान में किस वक्त पहुँचे आप? साढ़े छः बजे शायद पहुँच गए सुबह जी। बिल्कुल, मुझे बार बार बहुत दिन के बाद, बहुत देर के बाद मारा हुआ कि आप वहाँ पे नहीं। वहाँ से फिर ये ख्याल हुआ कि शायद उधर नागपुर तशरीफ ले गए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जाकर भेजो किसी को देख कर आए, तो मालूम हुआ कि नहीं उधर तशरीफ रखते हैं। यहाँ पर तकलीफ न कीजिए, छोटी भी साहिबा को खुशखबरी देना था, उनका लड़का मेरा पोता है ना मुशाहिद रजा, अल्लाह ताला ने उसके यहाँ परजन रखा फरमाया, नेक साले और सही। उसकी माँ भी उज्जैन की थी। शादी तो नागपुर में हुई जी? नहीं, उसकी अभी शादी लड़के की माँ मुशाहिद रजा की नागपुर में हुई है, लेकिन शादी उसके भाई वाले की शादी में हामिद मियां की। अच्छा, वो हामिद मियां शायद है नहीं उस वक्त। हामिद मियां इंग्लैंड गए हुए हैं। इंग्लैंड गए हुए? अच्छा, वहाँ एक उनके हम क्लास फेलो थे डॉक्टर अब्दुल समद, वहाँ से अहदे पर हैं। उन्होंने बहुत ही मजबूर करके और वहाँ के बाद रिटर्न टिकट वगैरह भेज दिया तो वो गए। वो आए मैं 3-4 रोज में आने वाले। कब से ले गए ये? कितने दिन हो गए उनकी जाकर के? 2-3 हफ्ते हुए। मैं बता रहे थे, पहले मैं आया था तो कह रहे थे कि मेरे कोई साथी है वहाँ, मैं इंग्लैंड जाऊंगा। किस जगह गए हैं इंग्लैंड में जी? इंग्लैंड में किस जगह गए हैं? इंग्लैंड में मुझे नाम नहीं याद था उस शहर का, कहाँ बातचीत करते हैं। ये हर एक के नहीं लेते हैं, बस आप ही की बातें ले रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद और आपकी उम्र में कितना फर्क था? वो 8 महीने मुझसे छोटे थे। अच्छा, 1892 की उनकी भी पैदाइश थी और 1892 की मेरी भी पैदाइश। हिजरी सन के लिहाज से 13-10 हिजरी के 21 रबीउल अव्वल को मैं पैदा हुआ, नमाज फजर के बाद। आपके दादा था वो उस वक्त कुरान शरीफ की तिलावत फरमा रहे थे? मेरे दादा रहमतुल्लाह अलैह तिलावत फरमा रहे थे। जब दादी साहिबा ने जाके मेरे
विलायत की खुशखबरी थी, उसको तो दुआ वो पढ़ रहे थे कुरान अजीम का आयत कि कज़ाकुम बुरहान मिन रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, वो सर पढ़ रहे थे तो जब जैसे बुरहान पर रसूल फरमाया तो फरमाया मेरा बुरहान आ गया इतना फरमा कर तो फौरन ही कुरान अजीम की आयत को नकल फरमाया अपने हाथ से, काफी में नकल है। बरेली शरीफ में हुजूर का क्याम, बरेली में मैं आला हजरत की खिदमत जगरस में 4 साल रहा हूँ, मगर जैसे रहा हूँ उस जमाने में रिटर्न टिकट मिलता था 2nd क्लास का, 6 महीने की मुद्दत मिलती थी उसमें और 1.5 टिकट होता था, तो उसमें मैं जाता था यहाँ से और वहाँ से 6 महीने पूरे होने में 3-4 दिन रहते थे इजाज़त लेकर, चला आता था जबलपुर पर, यहाँ पर महीना दही महीने फिर चले जाते, इस तरह 4 साल। आला हजरत से आपको फैज़ तलम्मुज भी हासिल है, कुछ आपने उनसे तालीम भी हासिल की? पहले तरह उन्हीं दिनों में मैं आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बस किताबों में कुछ खास कोई क्या नाम था किताब का, मुझे नाम याद नहीं रहा। बहरहाल फ़िक़्ह में आला हज़रत से मैंने किताब काज़ी ख़ान की कुछ इबारतों का मतलब समझा और आला हज़रत अक्सर फतवे लिखवाते थे तो मैं या सैयद अय्यूब अली या कनाअत अली तो अक्सर आला हज़रत के फतवे आला हज़रत फतवे फरमाते जाते थे, मैं लिखते जाता था, फिर हज़रत उसके दस्तखत करते थे, उसको नकल करते।